अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल की ब्यावरा इकाई ने मंदिर में तोड़फोड़ पर आक्रोश जताया। संगठन के पदाधिकारियों ने SDM कार्यालय पहुंचकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। ज्ञापन देकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली के चांदनी चौक क्षेत्र में हनुमान मंदिर में तोड़फोड़ की घटना हुई थी। पदाधिकारियों ने जल्द से जल्द मंदिर बनाने की मांग की। अगर शासन मंदिर नहीं बनाता है तो अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल देशव्यापी आंदोलन करेगा। इस मौके पर जिला अध्यक्ष खुशीलाल कुशवाहा, जिला मंत्री एलकार सेव, प्रखंड अध्यक्ष देवराज रोहिला सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। ब्यावरा से मोहन वर्मा की रिपोर्ट। दिल्ली शहर में शासन द्वारा हिंदू मंदिर तोड़ने के विरोध में महोदय हमारे देश की राजधानी दिल्ली में चांदनी चौक क्षेत्र में दिनांक 3/1/2021 को अपराह्न दिल्ली की भाजपा शासित SDM एवं भाजपा केंद्र शासन के कंट्रोल होने वाली दिल्ली पुलिस ने सम्मिलित कार्य कर प्राचीन हनुमान मंदिर को तोड़ दिया, जिससे पूरा हिंदू समाज दुखी आक्रोशित है। दिल्ली की भाजपा शासित एवं SDM एवं भाजपा के केंद्र शासन के कंट्रोल होने वाली दिल्ली पुलिस के उपयुक्त कार्यों से भाजपा का हिंदू विरोधी चेहरा सामने आ गया कि यहाँ मात्र हिंदू वोटों के पाने के लिए हिंदूवादी बनते हैं, उनका हिंदू धर्म की आस्था से कोई नाता नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिराष्ट्रीय बजरंग दल मध्य भारत प्रांत भाजपा शासित दिल्ली की SDM एवं भाजपा की केंद्र शासन कंट्रोल होने वाली दिल्ली पुलिस की उपयुक्त कार्रवाई की कड़ी निंदा करता है। महामहिम से मांग करता है कि इस मामले में नियम लेकर केंद्र सरकार के समक्ष हिंदू समाज विरोध प्रस्तुत करें तथा इस मामले को गंभीरता से लेकर दोषी व्यक्ति को विरोध कार्रवाई करने के निर्देश करें, ताकि भविष्य में हिंदू धार्मिक स्थल पर ऐसा कोई कार्रवाई ना हो, अन्यथा अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिराष्ट्रीय बजरंग दल देश वही आंदोलन करेगा और इसी का जिम्मेदारी प्रशासन से रहेगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।